हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट किए हैं, सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। चलिए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। जिसको सब्सक्राइब करना है टेलीग्राम वगैरह कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, है ना। तो टॉपिक क्या है? तो टॉपिक वही है जो आपको चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये कैसे आपको पता है? पता कैसे है क्या? आप लोगों का जो कॉमेंट्स आ रहा था उस आधार पर। एक्चुअली ये है बहुत बोरिंग टॉपिक, लेकिन क्या करें, कवर करना पड़ता है ना। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो है ना, कैसे बनाएं, कैसे बनाएं, यही आप पूछना चाह रहे हैं। कैसे, कितना, क्या परसेंट रखें, यही जानना चाह रहे हैं ना। बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है ये, ठीक है। सारांश निकाल के बताता हूँ, क्योंकि आपके पास तो समय है नहीं, घोड़े पे होंगे। पोर्टफोलियो बनाने के समय बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो मैं सारी चीज़ें हटा के आपको सीधा टॉपिक पे पहुंचा दे रहा हूँ, ठीक है। उदाहरण के लिए, किसी का गाड़ी में अगर पंक्चर हो जाए तो गाड़ी चलना नामुमकिन हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो आप बोलिएगा हाँ। एक पंक्चर करने बनाने वाला फट से पंक्चर बना दिया, फिर आप हवा में निकल लिए 100-100 का स्पीड में, लेकिन जब तक गाड़ी पंक्चर रहता है तब तक निकल नहीं पाते। बात सही है कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ सर। तो आइए आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा सुसज्जित करते हैं और बतलाते हैं इस, और जो अभी वर्तमान में चल रहा है समय, कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं है, सब पता है। मैं धीमा धीमा आप लोगों के पास हर वो चीज़ जो कि आपको आगे ग्रोथ करेगा उसको इंजेक्ट करता जाता हूँ, ठीक है। और एक आदमी का, एक इंसान का, एक ह्यूमन का नेचर मैं थोड़ा सा बतलाता हूँ कि ह्यूमन नेचर के अनुसार आप जितनी मेहनत करते हैं उसके बाद आपको या हमें लगता है कि अब मेहनत का ये जो माथा पिच्ची था, ये जो जंग था, वो ख़त्म हो गया, है ना। बाकायदा उदाहरण से देंगे और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और समझेंगे भी, मज़ा भी आएगा। तो आपको लगेगा, चाहे मेरे को लगेगा, यार चल ठीक है, ख़त्म हुआ ना झंझट। क्या लगेगा? ख़त्म हुआ ना झंझट। लेकिन अनएक्सपेक्टेड परिणाम, मतलब रिटर्न जो है उम्मीद से ज़्यादा, अनएक्सपेक्टेड देखकर, रिजल्ट देखकर, फिर से ये एहसास होता है कि हम इन दरवाज़ों के पीछे हैं और अभी सबसे बड़ी जंग बाकी है। हम अभी कहाँ उन दरवाज़ों के पीछे हैं, अभी तो सबसे बड़ी जंग तो आगे बाकी है, और वह जंग है पेशेंस का, ठीक है। खुद का, खुद पे पेशेंस का, खुद को ये समझने की, समझाने की कि नहीं, अभी हम गेम को गिव अप नहीं कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं, यहाँ पर पहुँच कर कदापि छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल भी आप यहाँ ये काम नहीं कर सकते। मन घबराता है कि अब कैसे होगा, ये आगे गड़िया बढ़ेगा कैसे, तो उसका है कि हौसला को बुलंद रखना है, सोच को सकारात्मक रखना है। और कोई ऐसा इंसान नहीं है जो लगन और मेहनत से काम करे तो उसे सफलता प्राप्त ना हो, उसे हाथ में हमेशा निराशा ही मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये चार चीज़ याद रखिएगा, आपको इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की क्षमता आप में है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये जो इतने शांति मन से आपने जो सुनाया, इसका हम करें तो करेगा है? आप बोलोगे ना कि सर ये जो इतना शांति मन से आपने बताया कि भाई अभी जो आपका मेहनत है उसको आप सोच के सोच रहे ख़त्म हो गया, अब मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो ये कहाँ, क्या, इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए, मतलब तो हम बतला देते हैं, समझने के ऊपर है। आपने गोल्ड खरीदा, चाहे कोई भी खरीदा, मपांग खरीदा, कोई भी खरीदा, वो अलग बात है, आपने खरीदा, आपने वहाँ पेशेंस के साथ होल्ड किया, है ना, जब तक ये साइडवेज था आपने होल्ड किया, उसके बाद जब रिटर्न बनना स्टार्ट हुआ तो आपको लगा कि चलो यार 5-10% बन गया हम लोग का, हो गया, मतलब ठीक है, मतलब चलो अब ख़त्म हो गया, बन जाएगा ना, हम निश्चिंत हो जाएंगे। आप लोगों का कितना शॉर्ट मेमोरी है, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों का, इन द सेंस, मतलब मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि हर आदमी का, नहीं 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 सर प्लीज़, किसी को बुरा लग जाए, नहीं नहीं मैं अपना ही बता रहा हूँ कि चलिए यार 20%, 10% बन जाए, 5% बन जाए, काम ख़त्म करते हैं, उसके आगे का हम लोग सोच ही नहीं पाते, समझ रहे हैं।
और हम लोग को क्या लगता है कि हम लोग का हो गया ना, मेहनत हुआ, खत्म हो जाएगा, इसके बाद कोई जरूरत नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और उसकी रिजल्ट जो है यहाँ रुकने के बजाय यहाँ तक चली जाती है, जिस तरह आप गोल्ड में देख रहे हैं कि जो प्लेन चल रहा था, डाउन चल रहा था, वो यहाँ से यहाँ आ गया है, तो हम लोग को लगा कि अरे अब यहाँ से जो रिजल्ट यहाँ दे दिया ना, ये मतलब अनएक्सपेक्टेड परिणाम था। और आपको अभी ऐसा लग रहा है यार, अभी तो हम लोग जितना मेहनत किए थे, जितना पेशेंस से होल्ड किए थे, ये तो बहुत कम लग रहा है। अभी तो असली महाभारत तो अभी आने वाला है, लग रहा है कि नहीं लग रहा? क्या मतलब, ये आपने 5% सोचा, 10% सोचा, आपको 20% मिला, तो क्या मार्केट छोड़ दी? तो नहीं सर, मार्केट में तो बैठे, तो हुआ ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आप हमेशा लाइफ में मेहनत करते रहिए, जो कामयाबी है वो आपके सफर में एक जस्ट स्टॉपेज के तौर पे, मंजिल के तौर पे रहेगी, और आप आगे बढ़ते जाइए। आपका उद्देश्य है आगे बढ़ना, ना कि किसी एक कामयाबी को लेके रुकना, ठीक है? आपका कामयाबी होना, टारगेट पूरा होना, उस सफर का एक मतलब हिस्सा हो जाएगा। और इसीलिए गुलाब जामुन खाना, क्या गुलाब जामुन खाने के बाद क्या पूरा जिंदगी आप क्या खाना नहीं खाइएगा, मिठाई नहीं खाइएगा? तो आप बोलेगा ना ना ना, ऐसा थोड़ी होगा, अनर्थ हो जाएगा। तो वही चीज़ है, तो कामयाबी जो है वो अब सफर का एक हिस्सा रखिए कि हाँ भाई चलो, एक स्टेशन है, एक पड़ाव है, वो मंजिल नहीं है। मंजिल है ये कि कामयाबी आपके पीछे चलते रहे, वही आपकी मंजिल है साहब। इसलिए याद रखिएगा कि अपना काम और पेशेंस के साथ आप अपना चलते रहिएगा, तो आपके आपको एहसास होगा कि कामयाबी आपके पीछे पीछे आ रही है, ठीक है? ये चीज़ मेरा बात याद रखिएगा, और ये हर व्यक्ति को एहसास होता है, लेकिन अब कोई एहसास ही नहीं करना चाहता, हुआ तेजी में रहता है तो अलग बात है। अब आई बात पोर्टफोलियो का, तो सर पोर्टफोलियो कैसे बनाए? तो भाई देखिए, मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो बनाने का ये तरीका है, हो सकता है कि मेरा हिसाब आप लोगों को पसंद ना आए, तो ठीक है, बाकी जो मेरा हिसाब है वो ये है। सबसे पहले कि आप अपने पोर्टफोलियो को, मान लीजिए आपके पास 20 लाख है, चाहे 25 लाख है, चाहे 1 लाख है, चाहे जो भी है ना, 1 लाख, क्योंकि देखिए बड़ा अमाउंट के साथ करते हैं तो बड़े छोटे वाले बोलते हैं कि सर हम लोग के पास तो इतना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। छोटा अमाउंट के साथ करते हैं तो बड़े लोग बोलते हैं कि सर हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो मेरे हिसाब से, तो मेरे नज़रों में तो दोनों मेरे लिए बराबर है, सिंपल सी बात है। का है तो ना माधव से लेना है ना उद्धव को देना है। तो आप बोलिए अरे ये कौन चीज़ बोलती है, हाँ ना माधव से लेंगे या ना उद्धव को देंगे, ना हम आपसे ले रहे हैं ना हम उनसे ले रहे हैं, तो मेरे लिए तो भैया दोनों बराबर है, बस बात खत्म। तो भैया हम अपना वैसे ही चलेंगे जैसे हम चलते हैं, ठीक है? तो अब जिसको समझना है उस समझें, अब जिसको बहुत क्लियरिटी चाहिए, एकदम मतलब चाहिए कि ABCD की तरह लिख दें, तो ये काम आप दिसंबर के बाद हमसे करवाइएगा, ठीक है? काहे तो हम भी उस समय तक रिटायरमेंट ले लिए रहेंगे, अब इसीलिए मैं आप लोगों के सामने नहीं आ रहा हूँ, कि उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम भी वॉलंटियर मारेंगे यार, ऐसा थोड़ी है कि हालांकि पूरा ज़िंदगी अपना सर खपाते रहेंगे, ठीक है? एक टाइम पीरियड था, ठीक है, कर लिए ना, अब अपना लिए करेंगे, बहुत हुआ नौकरी नौकरी नौकरी, समझे? तो एक टाइम पीरियड के बाद हम भी वहाँ से मतलब निकलने के लिए कर रहे हैं, और जब उस जगह से आप किसी भी जगह से नौकरी से जब आप निकलिएगा ना, तो जितना आपको एंट्री करने में फोर्स की आवश्यकता हुई थी ना, हो सकता है उससे मल्टीपल फोर्स ज़्यादा लगे, क्योंकि उस समय आपको उस सिस्टम अपनाना था, तो उस सिस्टम आपको चेक कर लिया, ठीक लगा, आपको अपना लिया, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। अब क्या है, अब आप उस सिस्टम के पार्ट हो गए हो, और सिस्टम को तोड़ के, पार्ट को निकाल के हटा देने का मतलब है कि सिस्टम एक बार थोड़ा सा मतलब हल्का सा टेढ़ा हो सकता है, मतलब टेढ़ा क्या, लेकिन रुकेगा नहीं कभी भी, किसी के बिना कोई सिस्टम रुकता नहीं, थोड़ा सा आड़ा तिरछा होकर चल लेगा तो कुछ समय के लिए, फिर वो ठीक हो जाएगा। उस सिस्टम में ऑटोमेटिक अपने आप को भरने की काबिलियत होती है, ठीक है? लेकिन हम और आप में अपने परिवार को छोड़ के सिस्टम के प्रति समर्पित हो गए, तो भैया हमारा परिवार बिलट जाएगा, तो अपने परिवार का भी ध्यान हमें रखना है, समझे ना? सिस्टम तो सब चलते आई है, आवाज नहीं, शुरू से चलते आई है, तो इसीलिए समय रहते हुए मेरे को भी थोड़ा फोर्स की आवश्यकता है, और मैं निकलूंगा, और निकलने के बाद मैं आप लोगों के साथ बाकायदा आऊँगा, पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा। कोई ऐसा नहीं है कि कोई लुहेरा टाइप का आदमी नहीं है, चुचुहार आदमी नहीं है, समझे ना? अब इतना तो यकीन हो गया होगा आप लोगों को, और आप लोगों को मेरे को देखने से क्या होना है, आप लोगों को ये बात हम बोले थे ना, अरे हमारा देखिए कि कौन चीज़ कर लीजिएगा, तो बहुत आदमी बोला सर एक फोटो दे दीजिए, अरे कहाँ कर लीजिएगा, फोटो रिटर्न बनवा देंगे, ऑटोमेटिक विश्वास कर लीजिएगा, और आज देखिए, समझे? तो ये चीज़ है हम लोग का। अब बाकी आएंगे, ऐसा क्या है कि नहीं आएंगे, कोई थोड़ी बात की बात है, अभी फिलहाल आइए पोर्टफोलियो पे, नहीं तो ध्यान भटकेगा दाएं बाएं, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होता है इसको हम डिफाइन कर देते हैं, समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। तो 25% आपको कहाँ लगाना है, ETF में, ठीक है? देखिए मैं एकदम क्रीम निकाल के रख रहा हूँ, इसके नीचे आप एक एक चीज़ पे जाइएगा ना, तो मैं पूरा 2-2 घंटा का क्लास ले सकता हूँ एक एक चीज़ पे डिस्कशन के माध्यम से, लेकिन मैं आपको जस्ट की दे रहा हूँ, जस्ट की बेनिफिट्स हो जाएगा, कमी ढूंढना चाहिएगा बहुत मिल जाएगा। तो पहला 25% ETF पे, दूसरा 25% लॉन्ग ETF पे। अब आप बोलिएगा अरे सर कर दिए बवाल, अरे भाई बर्दाश्त करिए, जो बता रहा हूँ ना सुन लीजिए, अच्छा लगेगा, आपका पोर्टफोलियो हमेशा सुरक्षित रहेगा।
और तीसरा 25% गोल्ड पे है। क्लियर है? अब बोलेगा हाँ। बहुत आदमी को तो इतना जल्दी है कि बोलेगा किसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना सर, अब वही फोटो दे दीजिए। अरे भैया दुकान में किताब बहुत मिलता है, मास्टर का जरूरत क्या है, सब दुकाने वाला पढ़ के सब बन जाता है डॉक्टर MBBS। समझ रहे? थोड़ा पेशेंस रखिए अपने अंदर, जितना रखिएगा उतना आगे बढ़िएगा, अगर बकाया रहिएगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये लीजिए चौथा आपको कैश। अब इस चीज़ को समझने में किसको प्रॉब्लम है, तो मेरे को पता है कि किसको प्रॉब्लम है और कहाँ प्रॉब्लम है। तो आप ये कहना चाहिएगा कि सर ठीक है, आपने ये बता दिया कि 25% ETF में रखिए, 25% लॉन्ग ETF में रखिए, ई का बवाल है, 25% गोल्ड में, ठीक है सर, चलो गोल्ड वाला तो समझ में आ गया, 25% कैश में रखिए। तो अब आप बोलिएगा सर 25% कैश का क्या मतलब है, जैसे मार्केट गिरता है तो हम क्या करें, हम कैश में रखें तो चलिए बॉन्ड में रख लेते हैं, इस प्रकार का कहीं आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा। तो शुरू करते हैं एक एक तो फटाफट खत्म करने का, टाइम देख लेते हैं। तो भाई टाइम तो हो गया है तनी ज़्यादा, तो इसको यहाँ पर ही रैप अप कर देते हैं, और फिर नहीं तो क्या ना, फिर बोरिंग हो जाता है आदमी, है ना। सेकेंड पार्ट में इसको हम डिक्लेयर कर देते हैं। चलिए बस ये चीज़ समझ गए, अब इसको खाली डिफाइन करना है, जिससे क्या है कि आपका इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ के अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे, अपने पोर्टफोलियो को सुसज्जित कर पाएंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।